नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि हम लोग निकले हुए थे पहाड़ी मंदिर रांची के दर्शन की ओर, तो ये मेरी इस क्रम में दूसरी वीडियो है। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए देख सकते हैं, यहाँ तक हम लोग आए थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ऊपर की ओर प्रस्थान करेंगे और देखेंगे पूरी कंप्लीट वीडियो हमारे पहाड़ी मंदिर रांची की। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को आप लास्ट तक देखें और स्किप ना करें। तो चलिए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। देख सकते हैं हम लोग सीढ़ी की ओर क्रम में बढ़ रहे हैं। तो इसमें मैं आपको इसके हिस्ट्री के बारे में भी बताता चलूँगा। तो इसका पुराना नाम, पहले इसे फांसी टुंगरी भी कहा जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैठने के लिए, लोगों को आते हुए अगर थक जाए तो यहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पे चारों तरफ कुर्सियाँ दी गई हैं और बगल में आप फोटोग्राफ भी ले सकते हैं। ये देख सकते हैं बायां साइड में ये सीढ़ी जो जा रही है। तो ये सीढ़ी से श्रद्धालुगण जब ऊपर से पूजा करके नीचे आते हैं तो यही है वो द्वार जिसके द्वारा आप नीचे आ सकते हैं। तो हम लोग शाम के टाइम में गए थे तो ये फ़िलहाल आपको बंद नज़र आ रही होगी, पर यही है ये द्वार जिसके द्वारा श्रद्धालु ऊपर से पूजा करके वापस रिटर्न इधर से ही आते हैं। मंदिर का सबसे पुराना नाम टीरी बुरु था, लेकिन बाद में अंग्रेज आए तो इसका नाम बदलकर फांसीगरी कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उसको यहाँ पे फांसी दी जाती थी। चट्टानों पर लिख कर यहाँ पे देश की आज़ादी का जिक्र भी किया गया है। ये देख सकते हैं, ये है वो लेख जो कि चट्टान में लिखा गया है। इस मंदिर में आप जैसे ही आएंगे आपको एक अजीब सी शांति का अनुभव होगा। तो देख सकते हैं हम लोग अपना आधा सफ़र तय कर चुके हैं, 209 सीढ़ी तक पहुंच गए हैं और जो कि हम लोग को 468 सीढ़ी पार करना है। तो देख सकते हैं हम लोग सावन के दो दिन पहले गए थे तो यहाँ पे काम चालू थी और यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग सीढ़ी के लेयर बनाए हुए थे ताकि श्रद्धालुओं को पूजा करने में कोई समस्या ना आए और भीड़ भी नियंत्रण में रहे। तो आगे बढ़ रहे थे हम लोग और यहाँ पे आने के बाद आपको एक अलग ही खुशी का महसूस होगा और मन में शांति की भावना आएगी। तो हम लोग आधा सफ़र अब तय कर चुके हैं और हमने अपनी मंजिल पर पहुँचने ही वाले थे। यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि मरम्मत का काम अभी भी जारी थी। मंदिर की खूबसूरती की बात करें तो आप यहां से सारे रांची को एक नज़र में ही देख सकते हैं। यहां से आपको पूरी अनुपम दृष्टि से पूरी रांची एक झलक में ही आप निहार सकते हैं। तो इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आगे जा रहे थे। अब आ गए हम लोग उस स्थान पे जहां पे कि ये पोल लगा हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 293 फीट है और ज़मीन से इसकी ऊंचाई 493 फीट है। यही वो पोल है जिस पर कि 23 जनवरी 2016 सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती के शुभ अवसर पर श्री मनोहर पर्रिकर के द्वारा यहां पे झंडा फहराया गया, जिसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई लगभग 20 मीटर थी। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तब से ही ये परंपरा इस मंदिर में चली आ रही है कि इसमें 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन झंडे फहराए जाते हैं। राष्ट्र ध्वज को धर्म ध्वज से ज़्यादा महत्व देते हुए यहाँ का नियम है कि तिरंगे को धर्म ध्वज से ऊपर रखा जाता है। तो ये परंपरा 1947 से होती हुई आ रही है और सबसे पहला तिरंगा यहाँ पे कृष्ण चंद्र दास ने फहराई थी आज़ादी के दिन। रांची में सबसे पहले तिरंगा यहीं फहराया गया था। देख सकते हैं यहाँ से अब हमारी शुरू होती है मंदिर की मेन द्वार। तो देख सकते हैं यहाँ आप ऊपर आएंगे और ऊपर आने के बाद जस्ट लेफ्ट टर्न होके मंदिर परिसर आपको नज़र आएगा। तो यही है वो मंदिर परिसर, देख सकते हैं यहाँ समय सारणी दी हुई है मंदिर के। यही है हमारी मंदिर की अंतिम सीढ़ी,
जो मुख्य मंदिर की है। यहाँ से चलने के साथ ही आपको शिवलिंग दिखाई देगी जो कि भगवान शिव की। सावन के महीने में और शिवरात्रि में इसमें विशेष तौर पे पूजा की जाती है और भक्तों का तांता लगता है। सावन की सोमवारी और शिवरात्रि में विशेष रूप से बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगती है और श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है। देख सकते हैं हम लोगों ने दर्शन कर लिया है और इससे मैं आपको नीचे के दिखाता हूँ कि और क्या-क्या खास है इस मंदिर में। यह माना जाता है कि नाग देवता का मंदिर है और ये इन सारे मंदिरों में सबसे पुरानी मानी जाती है। देख सकते हैं ये मंदिर है। यहाँ से आपको पूरी रांची के दर्शन हो जाएंगे। एक नज़र में ही आप पूरी रांची को एक साथ देख पाओगे। चारों तरफ के दृश्य यहाँ से नज़र आते हैं जो कि मंत्रमुग्ध कर देने वाले होते हैं। देख सकते हैं यहाँ से आपको पता लगेगा कि हमारी रांची कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी है। पूरी रांची एक नज़र में ही आप देख सकेंगे जो कि काफी मनमोहक है। रांची में हमारे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो और आनंद ले सकते हो। इसमें से बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। जैसे मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ, वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। जैसे रो गार्डन, टाइगर हिल, जोना फॉल, दशम फॉल, हुंड्रू फॉल, साइंस सिटी, ऐसे ही और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ आप विजिट कर सकते हो। ये हमारे मंदिर के नीचे जो राइट साइड में जाती है रास्ता, वो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप अगर सावन में आते हो तो भक्तों की काफ़ी भीड़ रहती है, तो यहाँ से ही आपको ऊपर चढ़नी होती है क्योंकि वो जो मेन गेट है वो ब्लॉक रहती है, क्योंकि वहाँ से श्रद्धालु ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो वहाँ एंट्री मना रहती है। तो इधर से ही अगर आपको पूजा करने जाना हो सावन में तो इधर से ही आपको ऊपर जाना होता है। देख सकते हैं हम लोग सावन के 2 दिन पहले पहुँचे थे तो यहाँ पूरी तैयारी लगभग हो गई थी। तो ये है वो सीढ़ी जहाँ से आपको ऊपर जाना होगा अगर आप सावन की सोमवार या फिर लास्ट दिन आते हो तो। देख सकते हैं ये है वो रास्ता मंदिर के राइट साइड में जाती है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। अगर आप रांची के हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ऐसे ही और वीडियो आपके समक्ष मैं लाता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। बाय, थैंक यू।